brutal as stuff. जी स्काई दुबई से मसूम वारागद का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो जो पॉइंट रह गया वो मैं कवर करूंगा। स्काई दुबई जो है वो रह गया था, इसलिए आज स्काई दुबई आया हूं। तो अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा घंटा लाइन में लग के टिकट लिया। टिकट जो है वो मिल गई, आप देख रहे हैं बैंड पटापहात है, ये कान है 195 दिरहम की टिकट है। इसमें तीन पैकेज थे, एक 195 की थी, एक 295 की थी और एक पता नहीं 495 की थी। मैंने 195 वाली ली है, ठीक है, बजट ट्रैवलर हूँ भाई, पैसे इतने नहीं हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, चैनल ज़रा ग्रो कर गया, तो फिर महंगी महंगी टिकटें भी लूँगा, लेकिन अभी ये वाली लिया। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि जब आप ये टिकट लेते हैं ना, तो उसमें अगर आपके पास बैग है या जैसे मेरे पास है, तो इसमें 35 दिरहम की आपको एक्स्ट्रा वॉलेट वो लेना पड़ेगा, दराज या कह लें या लॉकर कह लें, उसमें ये सामान रखने के लिए, वरना ये सामान अंदर अलाउ नहीं है। तो अभी जो है वो एक लॉकर लिया 35 दिरहम का, 195 दिरहम का ये वाला पटा स्काई दुबई का। अभी मैं बैक कैमरा चला के तो जब अंदर चलता हूँ तो फिर आपको मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ। कसम है हॉल पहन देने बड़े पैसे लग गए, मेहरबानी है, चैनल में थोड़ा जा जरा ना सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाकी आप जो है ना, मैं बैक कैमरा चला के आपको दिखाता हूँ। ओए अल्लाह दे बंदे, हर शह ही इतने जी ना रेंट पे। अब देखें शूज रखने हैं तो उसका रेंट लैदा पे करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो देखें, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है शूज़ रखने के लिए। अंदर क्योंकि बर्फ़ है, इसलिए बर्फ़ के ऊपर जो है ना वो शूज़ जो है वो फिसलते हैं, इसलिए शूज़ यहाँ पे रखने पड़ेंगे। इतने बड़े बड़े कोट पाए ने, उन्हें मतलब ठंड ना लग जाए, अगे नज़ला बहुत जल्दी लग जाता, क्या करें। अब सोच रहा हूँ 195 दिरहम ते लाते ने, बल्कि 195 ते 35 100 ते 230 दिरहम लग गए ने। इसको अगर करें कन्वर्ट रुपीज़ में, ला हौल वला ला हौल वला, 15-20 हज़ार रुपया तो मेरा हल बन ही जाएगा, 15-20 हज़ार, हाँ 15-20 हज़ार आराम नाल बन जाए। अब इंजॉय तो पूरा करूंगा, पैसे पूरे कराँगा, अल्लाह के नाल पाकिस्तानी हैं। अब देखें करता हूँ इसका बैक कैमरा ऑन, और अब ये देखता हूँ कि कहाँ पे रखने हैं शूज़ और ये बैग, तो उसके बाद जब एंट्री लूँगा फिर आपसे बात होगी, ठीक है। मेरे साथ रहना, जाना नहीं कहीं बिड़ू। अच्छा, अब कैमरा चलाने का मकसद ये था कि आपको बता दूँ कि जब यहाँ पर आते हैं ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये कि मुझे नहीं पता था कि पहले ग्लव्स लेने हैं, मैं अंदर चला गया, अंदर जाके बैग रखने लगा तो फिर मुझे पता चला कि ग्लव्स लेने हैं। तो ग्लव्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, आपने ये रिस्टबैंड दिखाना है। जैसे ही वहाँ से टिकट लेंगे, टिकट लेके तो ये बिल्कुल साथ है लिखा हुआ है स्नो प्रो, इसमें वो सारा सामान पड़ा हुआ है। आपने जाना है, टिकट स्कैन करवानी है और आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। ग्लव्स चूँकि अंदर काफ़ी सर्दी है, वाकई महसूस हो रही है, यहीं पर महसूस हो रही है कि काफ़ी सर्दी है, अंदर काफ़ी ठंड है, इसलिए आपको जो है ना ग्लव्स लेने पड़ेंगे। ग्लव्स के बाद अगली बारी आएगी शूज़ की, तो शूज़ के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, टेंशन ना लें। मुझे लगता है कि शाम इधर ही हो जाएगी, अभी टाइम हो गया तकरीबन 4 बज गए हैं, तो 4 बजे वहाँ लाइन पर लगूंगा तो तकरीबन 4:30 हो जाएंगे, और फिर अंदर जाऊँगा, अंदर जाने में अभी लाइन होगी। हालाँकि जब मैंने टिकट लिया तो पहले मुझे बता दिया था बंदे ने कि अल्लाह के बंदे अंदर रश बहुत ज़्यादा है, आप कल आ जाएँ, लेकिन अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था, टिकट करवाई हुई है वापसी की, तो मैंने सोचा कि आज ही चलता हूँ, बनानी तो वीडियो ही है ना, आपको सारा दिखा दूँगा अंदर से क्या सीन है। तो अब बताने का मकसद ये था कि ये ग्लव्स जो हैं ये मिल गए हैं, अब इसके बाद अगली बारी आएगी शूज़ की, शूज़ का पता करता हूँ कि शूज़ इंक्लूड हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ रेंटल इक्विपमेंट, रेंटल इक्विपमेंट का मतलब तो यही है कि आप लेके जाएँ दोबारा वापस करने हैं, तो मेरे ख्याल में ये टिकट में इंक्लूड होगा। अभी चलता हूँ, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो देखें लाइन लंबा सा लाइन है बाबा, वो लिखा हुआ रेंटल इक्विपमेंट,
तो वहाँ पे जाके लाइन पे लगता हूँ, तो फिर देखता हूँ क्या होता है। थका देने वाला काम है, बुर्ज खलीफा से लंबी लाइन है कसम है। आगे आगे देखिए होता है क्या। Yes, come on closer, please. मैं अब जो ना बैक कैमरा जो होता ताकि आपको हर चीज क्लियरली दिखाऊं। रेगिस्ताना दे बैठे इन्ना होंगे ने बर्फ पा के ऐसा है कि नहीं। सिंगल बच के यहाँ से देखेंगे ये है। चेक करो हाँ फुल गर्मी होती है, अंदर बर्फ गर्मी होती है। पर लगता है कि वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन कोई नहीं, मैं लाना मैं सेल्फी स्टिक से लाना वा फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर लाँगा। लैन लगी हुई बाबा, लैन लगी लैन च ला के फिर उसे जाने फिर ये झूठा लेते हैं स्लाइडिंग स्लाइडिंग।
legs inside, arms twist. That's it.